सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में भाषा तरु पुस्तक में से आपका पाठ दूसरा पढ़ाऊंगी। आपने पहले भी किया ना, ये मैंने आपको इसमें परिभाषा करवाई थी, भाषा की परिभाषा बताओ, है ना। फिर हमने इस चैप्टर में बुक की एक्सरसाइज भी की थी, तो अब मैं आप स्टार्ट करूंगी इस चैप्टर में, इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। पार्ट दूसरा, अपनी बात यानी भाषा। हम भाषा बोल करके या फिर लिख करके अपनी बात को हम जो भी कहना चाहते हैं वो हम कह सकते हैं। तो देखो बेटा, ये सामने एक पिक्चर बनी हुई है, एक बगीचा है। इस बगीचे में कुछ फूल है जहाँ पर ये दो बच्चे आ रहे हैं, एक है टिया और एक है ईशान। ठीक है, देखो ये क्या कहते हैं। देखो टिया और ईशान इधर आ रहे हैं, वे हमें तोड़ लेंगे। ऐसा किसने कहा? गुलाब ने कहा। फिर आगे देखिए, हमें कुछ करना होगा, ईशान हमें नोचकर फेंक देता है। ऐसा किसने कहा? गेंदे के फूल ने। तो देखो ये बच्चे आ रहे थे, इनको लगा कि ये हमें तोड़ लेंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। फिर वो कहते हमें तो कुछ करना होगा, उन्होंने ऐसा क्या किया बताइए। मैंने आपको कल वर्कशीट भी सेंड की थी ना, आपने पढ़ा होगा उसमें। उसने ऐसा क्या किया? उन्होंने एक ऐसा संदेश लिखा। संदेश किसने लिखा? चंपा ने। देखो ये चंपा का फूल है, ये क्या कर रहा है? संदेश लिख रहा है। ये देखो लिख रहा है ना, ये देखो उसने क्या लिखा, हमें ना तोड़ो टिया ईशान, हम है तुम्हारी बगिया की शान। उसने कहा हम तुम्हारी बगिया की शान है, हमें मत तोड़ो। ऐसा उसने लिख कर बताया। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। अब देखिए बच्चों ने क्या कहा, प्यारे फूलों हम तुम्हें नहीं तोड़ेंगे, तुम सब बहुत सुंदर हो। उन्होंने कहा हम तुमको नहीं तोड़ेंगे, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। समझ आया बेटा? ये था आपका पार्ट। इस पार्ट की मैंने आपको वर्कशीट सेंड की है और इस वर्कशीट्स को आप अपने बुक के अंदर ही कंप्लीट करोगे इस वर्क को, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कुछ चित्र को देखकर बताओ, कुछ बोल रहे हैं कुछ लिख रहे हैं। देखो ये पढ़ रही है, पढ़ना मीन्स इसको ये लिखित रूप हो गया, यानी कि लिख कर बताई गई बात को वो समझ रही है। यहाँ भी लिखा हुआ संदेश है, यहाँ दादी माँ बोल करके बता रही हैं। अब उस चित्र पर हमें भाषा का प्रयोग बताना है जहाँ भाषा हमारी प्रयोग की गई है। यहाँ पर ये गिटार बजा रही है, यहाँ पर भाषा का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है चिड़िया जो है वो चहक रही हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ में बोल रही हैं जो उनकी आवाज़ होती है। यहाँ पर सिर्फ हमें हिंदी भाषा के प्रयोग वालों को बताना है। यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखित रूप है, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है। यहाँ पर लिखा गया संदेश है, यहाँ पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग है। और ये गुब्बारे वाला क्या कह रहा है? गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। इसका मतलब ये जो है इस पेज को भी आप पेज नंबर 10 को, 9 और 10 को अपनी पुस्तक में आप पूरा करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।